देवी बनी सावित्री, पति के लिए उठाया पत्थर। आ गई अधिराज की रक्षा। जी हाँ, छुई मुई से दिखने वाली हमारी देवी ने आज ले लिया है रौद्र रूप। जरा देखिए कैसे ये भारी भरकम पत्थर उठाकर वो डरा रही है इन गुंडों को। और ये सब वो कर रही है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। भाई जैसे यमराज के चंगुल से अपने पति सत्यवान की जान बचाने के लिए सावित्री लड़ गई थी यमराज से, ठीक वैसे ही आज हमारी देवी बन गई है मर्दानी और अकेले ही कर रही है इन गुंडों के साथ दो दो हाथ। इस पत्थर से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। उनकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है और अधिराज की जान भी बच जाती है। भाई दरअसल इस सब की शुरुआत तब हुई जब अधिराज और देवी ऑफिस से वापस घर के लिए निकले। पहले तो मियां बीवी के बीच हुई जोरदार झड़प। देवी अधिराज को उसके अंदर आए बदलावों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अधिराज बाबू कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने तो एक बार फिर सुना दी देवी को खरी खोटी। तुम्हारे लिए पैर की जूती, वो पैर की जूती जो मारे लिए सब है। अधिराज और देवी की कहानी में महा ट्विस्ट तब आया जब रास्ते में सड़क पर पड़े ड्रम के कारण अधिराज को गाड़ी रोकनी पड़ती है, और जैसे ही अधिराज अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है उस पर गुंडे कर देते हैं हमला। और ने नहीं बल्कि अधिराज की मासा ने ही भेजे हैं। काफी देर तक तो अधिराज अकेले इन सभी गुंडों से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इन गुंडों के सामने कमजोर पड़ ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि अधिराज को कुछ हो पाता, हमारी देवी ने संभाल लिया मोर्चा। अपनी बहादुरी से न सिर्फ देवी ने अधिराज की जान बचाई बल्कि झटपट गाड़ी चलाकर उन्हें सही सलामत वहां से निकाल कर भी ले गए। भाई मानना पड़ेगा ये छोरी तो एक न एक दिन अपने पिया का दिल जीत कर ही रहेगी। आज तक ब्यूरो।